सो है गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सैमसंग गैलेक्सी F23 मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट स्कैन लॉक को सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जाना है नीचे, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक स्क्रीन, या फिर आपको आ जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में। तो आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट का, तो आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको पैटर्न या फिर पिन पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको एक अपना पैटर्न बना लेना है, उसके बाद कन्फर्म करना है, और उसके बाद फिर से वही पैटर्न आपको डाल देना है, फिर से कन्फर्म कर देना है। अब दोस्तों ये बोलेगा कि आप जो अपने फिंगरप्रिंट को फिंगरप्रिंट पर स्कैन करवाइए। तो यहाँ पर मैं अपने फिंगरप्रिंट को फिंगरप्रिंट पर स्कैन करवा देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी बार बार फिंगरप्रिंट पर स्कैन करवा देना है, जब तक ये पूरा फुल ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है फुल हो रहा है, 100% तक आपको इसको जो है स्कैन करवाना है। और यहाँ पर ये 100% हो चुका है और लिख के आ चुका है डन। तो यहाँ पर देखिए, डन पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको भी कर देना है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट स्कैन लॉक जो है वो सेट हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको बंद किया और फिर से ओपन किया, देखिए फिंगर से ही ऑन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड पैटर्न दूंगा उससे भी खोल सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे फिंगर लगाऊंगा तो देखिए फिंगर से ही ऑन हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैन लॉक को सेट कर सकते हैं।